हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संकेत ट्रैवल्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल की इन ऑर्डर टेक्निक के बारे में देखेंगे। इन ऑर्डर टेक्निक जो बाइनरी ट्री की एक ट्रैवर्सल टेक्निक है। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और आप उसके बारे में और भी जानना चाहते हो तो मेरे ब्लॉग को विजिट कीजिए, जिसका एड्रेस है www.spcng.blogspot.com। तो फ्रेंड्स, अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर एक ट्री लेते हैं और यहां पर जो इक्वेशन अप्लाई करेंगे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल फाइंड आउट करने के लिए, वो हमारा ये रहेगा लेफ्ट सब ट्री, उसके बाद रूट और उसके बाद राइट सब ट्री। यानी कि दोस्तों हम सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवर्सल करेंगे, उसके बाद ही रूट को करेंगे और उसके बाद राइट सब ट्री को करेंगे। हम ये इक्वेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों इन ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए, लेफ्ट रूट राइट। यानी कि दोस्तों हमें सबसे पहले लेफ्ट नोड को देखना है, उसके बाद रूट को और उसके बाद राइट नोड को देखना है, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर हमारे पास अगर लेफ्ट नोड सबसे पहले आता है तो हम सबसे पहले उसको विजिट करेंगे। दोस्तों इस ट्री के अंदर हम यहां पर रूट को देखते हैं, ठीक है। अगर इसके पास लेफ्ट सब ट्री है तो हम पहले वहां पर जाएंगे। तो दोस्तों यहां पर नोड ए के पास यहां पर ये लेफ्ट सब ट्री है, ठीक है, तो मैं यहां पर इस ट्री पे जाऊंगा। अब ये छोटी सी जो ट्री है इसमें जो मेन नोड है रूट नोड वो बी है, ठीक है। अगर बी के पास भी अगर लेफ्ट सब ट्री है तो हम उसके पास जाएंगे दोस्तों। तो बी के पास लेफ्ट सब ट्री है और वो है डी। अब डी को देखते हैं, डी के पास ना कोई लेफ्ट सब ट्री है ना ही कोई राइट सब ट्री है। दोस्तों हमारे इक्वेशन के हिसाब से ये जो नोड है वो बनेगा रूट नोड यहां पर इस छोटी सी ट्री का, तो ये सबसे लेफ्ट मोस्ट पार्ट है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर जो लेफ्ट मोस्ट पार्ट है यानी कि सबसे जो पहला लेफ्ट नोड है ये लेफ्ट सब ट्री का, सबसे पहले हम उसको विजिट करेंगे। यानी कि हम सबसे पहले इस ट्री के अंदर डी को विजिट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने बता दिया आप लोगों को हम इसको क्यों विजिट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डी को विजिट करते हैं और डी को इन ऑर्डर में लिखते हैं दोस्तों। तो हमारा सबसे पहला आंसर ये रहेगा डी। अब दोस्तों डी को हमने विजिट कर लिया, ठीक है। अब यहां पर डी का जो रूट नोड है, ठीक है, यानी उसका पैरेंट नोड, उसको विजिट करना है दोस्तों, ठीक है। तो डी का जो पैरेंट नोड है यानी कि उसका जो रूट नोड है यानी कि लेफ्ट ट्रैवर्सल का रूट नोड, यानी कि ये जो लेफ्ट सब ट्री थी उसका रूट नोड, जो डी अब लेफ्ट सब ट्री थी उसका रूट नोड है बी। तो हम बी को विजिट करेंगे, ठीक है दोस्तों, और बी को इन ऑर्डर में लिखेंगे दोस्तों। तो हम बी को इनोड लिखते हैं दोस्तों। अब यहां पर देखो ये लेफ्ट नोड आ गया, अब रूट नोड आ गया, ठीक है। अब आना चाहिए राइट सब ट्री। तो दोस्तों लेफ्ट रूट और राइट सब ट्री दोस्तों। तो अब दोस्तों यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन है, ई और एफ। अब इनमें से पहले किसको विजिट करें दोस्तों, हम यहां पर ई पे जाते तो हैं, ठीक है, सबसे पहले और चेक करते हैं ई के पास अगर लेफ्ट सब ट्री है तो हम सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री को विजिट करेंगे। दोस्तों हम यहां पर ई पे जाते हैं और चेक करते हैं, ठीक है। तो ई के पास लेफ्ट सब ट्री है तो हम सबसे पहले किसको विजिट करेंगे, उसकी लेफ्ट सब ट्री को यानी कि लेफ्ट नोड को। दोस्तों हमारा ये छोटा सा इक्वेशन है बहुत काम का है, ये बताता है कि सबसे अगर सब किसी नोड के पास लेफ्ट नोड है तो सबसे पहले लेफ्ट नोड को विजिट करने का, उसके बाद रूट नोड को और उसके बाद ही राइट नोड को, ठीक है। तो हम यहां पर सबसे पहले एफ को विजिट करेंगे क्योंकि ये एफ जो है ये उसका लेफ्ट सब ट्री है। तो हम ऐप को विजिट करेंगे और ऐप को इन ऑर्डर में यहां पे लिखेंगे दोस्तों। अब यहां पर ये लेफ्ट सब ट्री आ गई तो हम इसके रूट को विजिट करेंगे, दैट इज ई। तो हम ई पे जाएंगे वापस और ई को विजिट करेंगे, ठीक है, और ई को लिखेंगे दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर ई को चेक करते हैं, ई के पास राइट सब ट्री है कि नहीं है, नहीं है तो वापस हम ई पे चले जाएंगे दोस्तों। तो ई के पास तो राइट सब ट्री नहीं है तो वापस ई पे जाएंगे। अब ई से वापस हम बी पे जाएंगे, बी की लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री दोनों आ चुकी हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरी राइट सब ट्री यहां पर खत्म हो, सॉरी लेफ्ट सब ट्री जो है वो यहां पर खत्म हो गई। किसकी लेफ्ट सब ट्री थी दोस्तों, तो ये थी ए की लेफ्ट सब ट्री। तो अब हम ए को विजिट करें, ए जो है वो रूट नोड है इस पूरी सी लेफ्ट सब ट्री का, ये छोटी सी जो ट्री हमने विजिट की ना इस वजह से दोस्तों। अब हम ए को विजिट करेंगे, तो ए जो है वो रूट नोड है इस लेफ्ट सब ट्री का और ए को प्रिंट करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये बार इक्वेशन देखो, यहां पर सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री, तो यानी डी से लेके ई तक ये जो हमने विजिट किया वो पूरी लेफ्ट सब ट्री है, किसकी, तो ए की।
और ए जो है वो रूट नोड है, तो ये ए बीच में आना चाहिए दोस्तों, ठीक है, ट्री के अंदर, यानी ए के लेफ्ट साइड में उसकी पूरी लेफ्ट सब ट्री होगी। तो इस इक्वेशन को देखो, ये रूट नोड है, तो यहां पर ए जो है वो रूट नोड है और ए के लेफ्ट में उसकी लेफ्ट सब ट्री, तो हमारा इक्वेशन यही बताता है, यहां पर लेफ्ट सब ट्री, ये छोटा सा इक्वेशन भी यही बताता है दोस्तों, रूट यानी रूट यहां पर बीच में आना चाहिए और उसके लेफ्ट पार्ट में उसकी लेफ्ट सब ट्री आनी चाहिए, यानी कि उसके लेफ्ट साइड जितने भी नोड है वो सब आने चाहिए। उसके बाद दोस्तों ए से हम उसकी राइट सब ट्री को विजिट करेंगे, यानी ए की जो राइट सब ट्री है उस पे जाते हैं, उस पे यहां पर सी को विजिट करेंगे, लेकिन अगर दोस्तों पहले चेक करेंगे सी के पास अगर कोई लेफ्ट सब ट्री है कि नहीं है, ठीक है, अगर होती तो हम पहले उसको विजिट करते हैं, ठीक है दोस्तों, लेकिन यहां पर सी के पास कोई लेफ्ट सब ट्री नहीं है, ठीक है, तो हम यहां पर डायरेक्ट सी को विजिट करेंगे, ठीक है। तो मैंने अगर आपको पहले भी बोल दिया दोस्तों, अगर सी के पास लेफ्ट सब ट्री होती तो हमें सबसे पहले किसको विजिट करना है, लेफ्ट सब ट्री को, क्योंकि हमारा इक्वेशन यही है, पहले लेफ्ट सब ट्री उसके बाद रूट और उसके बाद ही राइट सब ट्री, तो सबसे पहले हम सी को विजिट करेंगे अब अपनी इस ट्री के अंदर, क्योंकि इसके पास लेफ्ट सब ट्री नहीं है, इस वजह से सी को लिखेंगे। और अब इसके बाद अगेन इसके राइट सब ट्री पे जाएंगे, ठीक है, तो वो है जी, तो हम जी को विजिट करेंगे, ठीक है दोस्तों, और जी को लिखेंगे क्योंकि वो जी जो है वो हमारा राइट मोस्ट नोड है, ठीक है दोस्तों, दैट्स इट, तो यहां पर खत्म हो गया दोस्तों। इसकी शॉर्टकट मेथड ये भी है दोस्तों, लेफ्ट रूट राइट, तो हम यहां पर सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट नोड से शुरुआत करेंगे, ठीक है, फिर उसके रूट को जाएंगे, फिर अगेन लेफ्ट साइड, फिर रूट, फिर राइट साइड, दोस्तों हम यहां पर शुरू करेंगे लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड तक, ठीक है, और रूट जो है वो बीच में रहेगा, जो भी नोड को हम सिलेक्ट करेंगे उसके लेफ्ट साइड उसके लेफ्ट नोड आने चाहिए, ठीक है, और उसके राइट साइड उसके राइट सब ट्री आनी चाहिए दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बी को सिलेक्ट करता हूं, यहां पर इस बी को देखो इनऑर्डर के अंदर, तो बी के लेफ्ट साइड में उसका लेफ्ट नोड डी ही होगा, ठीक है दोस्तों, ए को अगर सिलेक्ट करें तो ए की लेफ्ट साइड में उसके लेफ्ट साइड के ही नोड होंगे दोस्तों, क्लियर, और ए की राइट साइड में उसकी राइट सब ट्री ही होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।